कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी और रायबरेली के लिए। जी रायबरेली से ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन है और रायबरेली से ये खबर मिल रही है कि राहुल गांधी के नाम पर अंतिम मुहर लग चुकी है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, तो राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और अभी सिर्फ रायबरेली को लेकर के जो अपडेट सामने आ रहा है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में आज नामांकन दाखिल करेंगे जो भी उम्मीदवार होंगे। और ये देखिए अब जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, वही अमेठी से KL शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से कंफर्म हो चुका है कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे और आज वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे, क्योंकि आज नामांकन भरने का आखिरी तारीख है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाइनली ये ऐलान कर दिया गया है, रायबरेली से कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी, और काफी दिनों से उन्हें बनाने की कोशिशें की जा रही थी जिस तरह के अपडेट थे, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और अब जाहिर तौर पर एक बार फिर से बीजेपी हमलावर होगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने में डर गए हैं और राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही सीटें गांधी परिवार की तगड़ मानी जाती रही हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त राहुल गांधी को दी थी। रंजीता जो हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, रंजीता बैठकों का दौर तमाम मंथन और माथा पच्ची के बीच अब ये खबर पुख्ता हो गई है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, और क्या अपडेट्स हैं? देखिए हम कह सकते हैं एक लंबी जद्दोजहद के बाद, लड़ाई के बाद, बैठकों के बाद आखिरकार आधिकारिक घोषणा हो गई, रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, जो कभी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। और इसके साथ ही ये संशय भी खत्म हो गया कि प्रियंका गांधी राजनीतिक जो चुनाव है उसमें कदम रखेंगी। ऐसा नहीं है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो पूरे देश भर में प्रचार करेंगी। लेकिन इसके साथ ही सवालों का दौर भी शुरू हो गया कि आखिर इस ये जो बदलाव किया गया है अमेठी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से, इस बदलाव के क्या मायने हैं, किस तरह से ये बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ मैसेज कांग्रेस पार्टी इसके जरिए देना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि 9 बजे तक गांधी परिवार जो है वो यहाँ अमेठी और रायबरेली पहुंच जाएगा। रायबरेली में जो तैयारी है नामांकन की वो पूरे तरह से कर दी गई है। अमेठी में भी लोगों को उम्मीद थी कि गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार हो, लेकिन ऐसा हो ना सका।